नमस्कार, मैं वीर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज 12 दिसंबर बिहार की 21 बड़ी खबरों में क्या है। नागरिक संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से भी 105 के मुकाबले 125 मतों से पारित हो गया। लोकसभा पहले ही इस बिल को पारित कर चुकी है। इस प्रकार अब बिल ने कानून का स्वरूप ले लिया है। राज्यसभा में बिल को सेलेक्ट कमेटी भेजने का भी प्रस्ताव मतदान खारिज हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां 122 जजों का प्रमोशन हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 122 जजों का प्रोन्नति हुआ है। जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर पार्टी से इतर राय रखने वाले नेताओं को नसीहत दी है कि उन्हें जो कुछ भी कहना हो पार्टी फोरम पर ही कहे। कटिहार जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र स्थित मनिया में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जमुई के नगर थाने की पुलिस ने अपने साथियों के साथ आपराधिक घटना की साजिश रचते एक नवयुवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार युवक भजौर गाँव निवासी सिट्टू कुमार सिंह है। पूर्णिया जिले में पहली बार सड़क सुरक्षा में बनी एक ऐसी कार्य योजना जिसे आम जनों को काफी फायदा मिलने वाला है। बताते चले कि जिला पदाधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का पूरे बिहार में जल जीवन एवं हरियाली के साथ सात निश्चय कार्यक्रम को लेकर दौरा शुरू हो चुका है। इससे पहले चरण के लिस्ट में पूर्णिया जिले का नाम नहीं है। बताते चले कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश के पूर्णिया आगमन की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी। कल डीएम ने धमदा अनुमंडल के मीरगंज थाना क्षेत्र के रूपसपुर खगहा के स्थल का निरीक्षण किया। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री रमेश ऋषिदेव के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गए। हमले की घटना सुपौल थाना क्षेत्र स्थित कड़ीहो चौक की है। शराबबंदी के 3.5 साल के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन बिहार के अखबारों में शराबबंदी कानून तोड़ने की खबर ना छपी हो। शराब के काले धंधे वालों को पकड़ने के लिए पुलिस हर दिन छापेमारी करती रहती है, लेकिन शराब का गोरख धंधा अब भी जारी है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है। सीमो बिहार के फेसबुक पेज में नंबर की जानकारी दी गई है। अगर आपके आसपास कोई शराब बेच रहा है तो इसकी सूचना उक्त नंबर पर कॉल कर दे सकते हैं। सीएमओ बिहार ने कहा है कि शिकायत करने वालों का पहचान गुप्त रखा जाएगा। नागरिक संशोधन बिल को लेकर बिहार की विपक्ष पार्टियां आक्रमक रही। कल प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा तमाम विपक्षी पार्टियां धरने पर बैठे थे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को गोलवलकर का चेला बता दिया। बक्सर जेल में तैयार होकर फांसी के 10 फंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि फांसी के इन फंदों का उपयोग निर्भया कांड के 4 दोषियों को मृत्यु दंड देने में किया जाएगा। 16 दिसंबर को निर्भया कांड की 7वीं वर्षी पर उन्हें फांसी दिया जा सकता है। बिहार के गया स्थित आधिकारिक प्रशिक्षण अकादमी जल्द बंद हो सकता है। बता दें कि मौजूदा समय में ओटीए गया में 250 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि इसकी क्षमता 750 अधिकारियों की है। असम के बाद बिहार में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अब सामने आ रहा है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नेता खुर्शीद आलम सिद्दीकी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पटना स्थित उनके आवास पर छात्र और युवाओं ने कालिख पोत दिया। विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं। बिहार में किस हद तक राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट ही काफी है। बिहार के करीब 170 विधायकों एवं सांसदों पर केस दर्ज है। मुजफ्फरपुर में यात्रियों से भरी बस फंसी गुमटी पर अचानक पहुंची। बापूधाम एक्सप्रेस से बड़ी दुर्घटना होते होते बची। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कानून स्वरूप ले लिया गया, किंतु इसके विरोध की आग फैलती जा रही है। सबसे बुरी हालत पूर्वोत्तर इलाकों में है। निरंतर प्रदर्शन तथा हिंसा को देखते हुए बुधवार को गुवाहाटी में अनिश्चितकाल कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू जिले के झाझा प्रखंड के छापा पेक्स के मतदान केंद्र पर अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी के समर्थक द्वारा गोलीबारी एवं पत्थरबाजी कर बूथ लूटने का मामला प्रकाश में आया है।
पटना में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। आक्रोशित लोग सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय में पोखर में नहाने के दौरान दो बच्चों की मौत डूबने से हो गई, बच्चों की मौत के बाद उनके घर में कोहराम मच गया है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर में लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल का काफिला रोक कर नारेबाजी की। बिहार में महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सिवान जिले का है, जहाँ एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का मर्डर कर दिया। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसी लगी? यदि आप इन्हें हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप इन्हें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें।